आपको धनतेरस, दीपावली, भाईदूज और कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। आदर्श नगर पंचायत महाराजगंज रायबरेली, सतत विकास की ओर अग्रसर। प्रभात साहू जिला पंचायत सदस्य, सरला साहू अध्यक्ष नगर पंचायत महाराजगंज। साधन सहकारी समितियों में रवि के फसल की बुवाई के दौरान भी उर्वरकों के उपलब्ध न होने पर किसानों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इनमें वे लोग भी मुखर हो रहे हैं जो जनसन के जमाने से भाजपा समर्थक होने का दावा करते रहे हैं। इन्हीं में से एक मऊ गांव के रहने वाले साधु वेशधारी कमलेश चंद्र अवस्थी ने न केवल मोदी और योगी की सरकारों को पूर्णतः विफल बताते हुए दोनों सरकारों की जमकर बखिया उधेड़ी और यहां तक दावा कर दिया कि यही हालात रहे तो आगामी चुनाव में ना मोदी जीतेंगे और ना ही योगी जीतेंगे। श्री अवस्थी आज मऊ बाजार में मीडिया से मुखातिब थे। आपको बता दें कि वर्ष 78-79 में रायबरेली के मऊ गांव में स्थित महबूबगंज मैदान में जनसभा को संबोधित करने आई पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को भरी जनसभा के बीच खड़े होकर काला झंडा दिखाने वाले कमलेश चंद्र अवस्थी तभी सुर्खियों में आए थे। बताया जाता है कि वह जनसंघ के मुखर समर्थक थे। इसके बाद उन्होंने लगातार जनसंघ और बाद में भाजपा समर्थक होने का दावा किया है। पत्रकारों से बातचीत में वही कमलेश चंद्र अवस्थी, जो अब साधु वेश में हो गए हैं, भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकारों के खिलाफ हो गए हैं। उनका आरोप है कि मोदी और योगी की सरकारों में जनता के हित में कोई काम नहीं हुआ, सड़कों की दशा खराब है, गांवों में खड़ंजा नहीं है, गरीबों को कॉलोनियां नहीं मिली, साथ ही पेयजल की भी गंभीर समस्या है। इसके अलावा बिजली का संकट बना रहता है। गाँव में चुनिंदा लोगों को छोड़ गाँव के गाँवों में अंधेरा गुम रहता है। सिर्फ चंद लोगों के यहाँ ही सोलर लाइटें लगवाई गई है। हर काम में भाई भतीजावाद व भ्रष्टाचार हावी है। मोदी को विदेश यात्राओं से फुर्सत नहीं है। वहीं योगी राज में ब्राह्मणों का कत्लेआम किया जा रहा है। निरीह और कमजोर लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या किसानों के सामने है। एक ओर सरकारी खरीद केंद्रों पर किसानों का धान नहीं खरीदा जा रहा है। किसान पौने मूल्य पर धान बेचने को मजबूर है। बिचौलियों ने हर सेंटर पर कब्जा कर रखा है। वहीं रबी की फसल की बुवाई के लिए खेत तैयार पड़े हुए हैं। साधन सहकारी समितियों के साथ साथ बाजारों में डीएपी मौजूद नहीं है। वहीं चोरी चुपके खाद के तस्कर डेढ़ और दोगुने दामों पर खाद बेच रहे हैं। किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके तजुर्बे में मोदी और योगी की सरकार इतिहास के सबसे निकम्मी और बेकार की सरकार साबित हुई है। आगामी चुनाव में इन सरकारों का वापस सत्ता में लौटना असंभव है। जब श्री अवस्थी से पूछा गया कि आपके गांव में भी सत्ता पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद है, आप उनसे क्यों नहीं शिकायत करते, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि उनके गांव में जो भी नेता रह रहे हैं वह सब कागजी शेर हैं। इनका कोई अस्तित्व नहीं है। आगामी राजनीतिक परिदृश्य के बारे में क्या संभावनाएं हैं, यह पूछने पर उन्होंने कहा कि योगी और मोदी सरकार का यही रवैया रहा तो निश्चित रूप से अब जनता कांग्रेस की ओर झुकने का प्रयास कर रही है। फिलहाल मोदी और योगी के ऊपर से जनता का भरोसा उठ गया है। आइए देखते हैं। एसके इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। आपको धनतेरस, दीपावली तथा भाई दूज की हार्दिक बधाई। सत्येंद्र प्रताप सिंह, भाजपा नेता, प्रमुख क्षेत्र पंचायत महाराजगंज रायबरेली। बाबा जी कहाँ रहते हो और अपना परिचय दीजिए पहले। हम मऊ गढ़वी में रहते हैं, जिला रायबरेली। हमारा गांव मऊ गढ़वी है जी। हम समस्या की बता रहे हैं कि अगली सरकार भाजपा की नहीं बनेगी, योगी मोदी दोनों सोसाइटी में खाद नहीं है, महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी सब बढ़ी हुई है और चारों तरफ त्राहि त्राहि मचा है। किसान सबसे ज्यादा परेशान है। अब योगी और मोदी अपना प्रधानमंत्री बन गए, वो मुख्यमंत्री बन गए, चूतिया बनाए हैं, रईसों को गोली कांड से भुजवाए दे रहे हैं और यहाँ गरीब परेशान है। घर घर वैमनस्यता फैलती जा रही है। जवान हर चीज मोदी और योगी दोनों सरकार फेल है। जवान कल मोदी सरकार तो कह रही है कि वो किसानों के लिए बहुत कुछ कर रही है। क्या कर रही है? यहाँ सोसाइटी में खाद नहीं है, क्या कर रही है? बिचौलिया धान तोला रहे हैं, किसान का धान नहीं लिया जा रहा है, क्या फायदा है? योगी किसानों के लिए और युवकों के लिए क्या कौन सा तक हम
इंदिरा गांधी को काला झंडा दिखाए हैं और नासी में इमरजेंसी में आज तक मुझे केवल प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं या उनके कर्मचारी काम नहीं करते हैं। भगवान योगी मोदी हंस रहे हैं, अपन विदेश घूम रहे हैं और यहाँ गरीब परेशान है। पर आपके गांव में भी तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं और दिग्गज नेता हैं। वो दिग्गज नेता केवल कागज के ऊपर हैं और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ भी इस संतों के लिए कर रहे हैं, आप एक संत हैं तो क्या आप सहमत नहीं है क्या? नहीं, आज तक का संतों के लिए योगी केवल नाम ले रहे हैं, कार सेवा हम लोग की ना, और आज तक केवल वैसे लाभ मोदी और योगी ले रहे हैं। 1978 में इंदिरा गांधी को महबूबगंज के उत्सव में काला झंडा दिखाया, तब से भाजपा को खूनों खून की तरह सींच करके राम मंदिर के लिए सब हो गया। राम मंदिर एक समस्या रही, उसका सुलझाधीन बकाया और कोई महंगाई भ्रष्टाचार युवक नौजवान मारा मारा फिर रहा है, कोई काम धंधा नहीं। जाओ बाबा जी, 2022 में किसकी सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में? ओ सरकार इस समय फिर कांग्रेस की तरफ लोग मुखर हो रहे हैं। थैंक यू। जयसवाल ज्वेलर्स, फैंसी सोने व चांदी के आभूषणों के गांठी युक्त हाल माका ज्वेलरी 916 एवं 750 निर्माता एवं विक्रेता। प्रोप्राइटर प्रभात जायसवाल बन्नू। मोबाइल नंबर 9565392519233703016131। बस स्टॉप महाराजगंज रायबरेली की ओर से आपको धनतेरस दीपावली भाई दूज की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।